एमडी कैट में स्टूडेंट्स बार बार कुछ गलतियां दोहराते हैं, प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं, स्टूडेंट से बात हुई है तो ऐसी गलतियां करके आए हैं जो कि उनकी तैयारी से रिलेटेड नहीं थी, तैयारी इनकी मुकम्मल थी लेकिन उस टाइम उन्होंने उन एमसीक्यूज को प्रॉपर टैकल नहीं किया जिसकी वजह से उन्होंने गलत कर दिया, तो हम इसी पर बात करेंगे ताकि आप इन पर जो है वो काबू पा सकें। अगर मैं बायोलॉजी के हवाले से बात करूँ तो क्वेश्चन की दो तीन कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि देखें, कुछ क्वेश्चन वैसे होते हैं जस्ट बुक लाइन्स हैं जो तो आपकी रीडिंग जो है आपकी बुक की तैयारी है उस पे बेस करते हैं, तो अगर आपने रीडिंग मुकम्मल की हुई है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। दूसरी तरह के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो 3 से 4 लाइंस की होती है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के होंगे, तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो उसकी पूरी स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ते, वो 1-2 लाइनें पढ़ी और जल्दी से वो आंसर करके चले जाते हैं, तो एक्चुअली जो आंसर होता है वो डिफरेंट होता है, तो ये भी एक गलती होती है। फिर समटाइम ये होता है कि एक क्वेश्चन आ रहा है बुक के अंदर, आपने देखा कि वो आपकी बुक लाइन से मिलता जुलता है, तो जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं तो आप फौरन जेहन में आता है कि अच्छा ये वो डेफिनेशन आ गई है, इसका आंसर जो है वो ये होगा, तो फौरन वो पहली ऑप्शन को टिक करके और आ जाते हैं। समटाइम ये होता है कि पहली ऑप्शन दी होती है वो गलत होती है और उसका आंसर जो है वो डिफरेंट होता है, और उसी वक्त आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं जब आप उसकी स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेंगे। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपने एमसीक्यू की स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है और उसके बाद आपने उसकी चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, तो अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी और आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। या मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ और उसमें आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन चल रहा है, 1-2 सवाल आए हैं और उसमें स्टूडेंट्स ने गलतियां की थी, मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर लूँ ताकि अगर इस तरह का सवाल दोबारा आ जाए तो आप उसमें गलती ना कर सकें। देखिए, आपके ए सेलुलर यानी वायरसेस वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया है 2023 के अंदर, और क्वेश्चन ये था कि द प्रो वायरस ऑफ HIV इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली SSRNA, DSRNA, SSDNA और DSDNA, यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA है या सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, डबल स्टैंडर्ड RNA है या डबल स्टैंडर्ड DNA है। तो आप जानते हैं कि वैसे अगर हम बात करें HIV की तो HIV का जो जीनोम होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, SSRNA, लेकिन उसने पूछा है प्रो वायरस ऑफ HIV, तो प्रो वायरस क्या है और प्रो वायरस कब बनता है, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद में प्रो वायरस बनता है, तो इसका मतलब है कि उस वक्त वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो DSDNA इसका करेक्ट है। तो ज्यादातर स्टूडेंट ने SSRNA जो टिक कर दिया था क्योंकि HIV का जीनोम तो SSRNA है लेकिन उसने प्रो वायरस के बारे में पूछा है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि स्टेटमेंट सम टाइम लेंथी आती है और वो चीजों को कुछ इंक्लूड कर लेता है, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाती है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ये लास्ट टाइम बायो मोलिक्यूल्स में से आया था, डीएनए से रिलेटेड था, प्रोटीन सेंसिस से। सीक्वेंस ऑफ अमाइन एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन मोलिक्यूल करस्पॉन्ड टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए फॉर दैट प्रोटीन। आप जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन के अमाइन एसिड के नंबर्स होते हैं। इफ रीडिंग फ्रेम ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर ह्यूमन प्रोटीन इज 993 न्यूक्लियोटाइड इंक्लूडिंग स्टॉप कोडॉन एट द एंड, हाउ मेनी अमाइन एसिड वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है वो चल भी रहा है। इसमें उसने कहा है कि मैसेंजर आरएनए जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड इतने हैं, तो बताएं प्रोटीन जो है वो कितने अमाइन एसिड वाली होगी, लेकिन उसने कहा है कि स्टॉप कोडॉन को भी आपने इंक्लूड करना है, तो उसने न्यूक्लियोटाइड बताए 993। तो आपने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जितने अमाइन एसिड वाली प्रोटीन है उसमें न्यूक्लियोटाइड की लेंथ कैसे निकालनी है, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है कि अगर इन केस प्रोटीन में 100 अमाइन एसिड है तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे मैसेंजर आरएनए पे, तो आप कहेंगे 300 न्यूक्लियोटाइड होंगे, लेकिन यहाँ उसने कहा कि स्टॉप कोडॉन को भी इंक्लूड करें, तो ऑप्शन देखिए आपके सामने है 331, 93, 993 और 330। तो इसमें 993 न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 331 आंसर आएगा, लेकिन उसने स्टॉप कोडॉन की बात की है, तो जिसकी वजह से आपने 3 न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देना है क्योंकि स्टॉप कोडॉन में तो किसी अमाइनो एसिड के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है 330, डेल्टा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। तो अब देखें, ये थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो कि आपके एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है और आपने इसको इस तरह से टैकल करना है। फिर बाकी ये है कि उसमें स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट को समझना है और उसमें कोई ना कोई की पॉइंट लाजमी होता है जो कि आपके उसको आंसर तक लेके जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस भी कर लेनी है और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको टैकल करें और वो गलतियाँ जो स्टूडेंट्स दोहरा चुके हैं वो आप ना दोहराएं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो अल्लाह ताला आपका जो आपकी वालदैन की आप पे तवक्कोआत हैं, जो आपने मेहनत की है, आपको उसका सिला दे और आपको अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स दे और आपको अपने मेडिकल कॉलेज में जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वहां तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।